कर्नाटक में आज बीजेपी और हिंदू संगठनों के विरोध के बीच टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। सीएम कुमार स्वामी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कर्नाटक में विरोध के बावजूद मनाई गई टीपू जयंती, सीएम कुमारस्वामी शामिल नहीं हुए। मैसूर के राजा की जयंती पर कर्नाटक में राज्य सरकार का कार्यक्रम। टीपू जयंती के विरोध में आज बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई शहरों में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई, कई बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। बीजेपी और श्रीराम सेना ने टीपू सुल्तान को अत्याचारी और हिंदू विरोधी करार दिया है। टीपू जयंती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर नारेबाजी की, विरोध में काला दिवस मनाया। टीपू जयंती के कार्यक्रम में कुमारस्वामी की शामिल न होने की वजह उनकी खराब तबीयत बताई जा रही है। डॉक्टरों ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है। इस दौरान बेंगलुरु समेत कई शहरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। बीजेपी ने टीपू सुल्तान और कांग्रेस दोनों को ही हिंदू विरोधी बताया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपना घर सुधारने की सलाह दी है। हाँ, मैं और मेरे रगों में वो खून है जो सबको साथ लेकर चलने की ताकत मेरे में है। और इसको सवाल करने वाला बीजेपी कौन है? जाए अपना घर ठीक करें, हमसे ये सब बातें मत सुनाएंगे। वो तो माँ बदमाश था, उसने हिंदुओं को नरसिंहार किया, केरल के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया। ये फ्रेंच सरकार की पिट्ठू था, इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, हमारे देश से अंग्रेजों को हटाने के लिए लड़ा। हालात पर नियंत्रण नहीं, गरीबी भुखमरी से निपटने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन हाँ, टीपू सुल्तान, मैं बार बार आग्रह करता हूँ, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, हमारी सभ्यता एक महासागर की तरह है, इसको इन लोगों ने तालाब बना दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे उफान पर है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने और मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर अमित शाह का हमला, जिस पार्टी को नक्सलवाद में क्रांति दिखती है वो राज्य का भला क्या करेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी ने संकल्प पत्र और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया। अमित शाह का वायदा, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाएंगे। कमलनाथ बोले, मध्य प्रदेश को माफिया राज से छुटकारा दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। 18 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर से 7 दिसंबर तक सभी तरह के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने सभी वर्गों के विकास की बात कही है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को देश का सबसे विकसित राज्य बना दिया है और नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आज छत्तीसगढ़ पावर हब बना है, सीमेंट हब बना है, इस्पात हब बना है, एल्यूमिनियम हब बना है, एजुकेशन हब भी बना है और हेल्थ केयर हब भी बना है। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ छत्तीसगढ़ में श्री रमन सिंह जी की सरकार है। ये दोनों सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाने के लिए कुछ संकल्प बनेगी। छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी और राहुल गांधी ने भी रैलियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान ने रैली की। मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ करने का वायदा किया और बीजेपी पर माफिया राज चलाने का आरोप लगाया। हम घोषणा पत्र नहीं, हम वचन पत्र आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के हर वर्ग के सामने पेश कर रहे हैं। ये वचन पत्र सड़कों में, खेत में पीड़ित नौजवानों से चर्चा करके, व्यापारियों से चर्चा करके हमने ये वचन पत्र बनाया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी समितियों के बैंक का कर्जा माफ किया जाएगा।
कांग्रेस के दो नेताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा है कि वो अपने बदजुबान नेताओं पर लगाम क्यों नहीं लगाते। दो कांग्रेस नेताओं के पीएम मोदी पर विवादित बयान, बीजेपी ने एतराज जताया। कर्नाटक में टीवी जयचंद ने पीएम मोदी को कहे अपशब्द, महाराष्ट्र में संजय निरुपम का विवादित बयान। दोनों कांग्रेस नेताओं ने कल दिए बयान, बीजेपी ने पूछा राहुल रोकते क्यों नहीं। पीबी जयचंद्र कर्नाटक के पूर्व कानून मंत्री, संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अपने नेताओं के विवादित बयान पर कांग्रेस की दलील, मोदी के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। पीबी जयचंद का बयान, मोदी ने कहा था नोटबंदी फेल हो जाए तो मुझे जिंदा जला देना, अब समय आ गया है। नरेंद्र मोदी हेल्ता इद्दरु 50 ದಿವಸ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, 50 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಹರ್ ಬುರಾಯಿ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋ ದೋಷ ದೇತೆ ಹೈನ್ ಮುಝೆ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಲ್ ಕೋ ಕಭಿ ಯೇ ನಾ ಬೋಲ್ ದೇ ಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಿ ಪೈದಾಯಿಶ್ ಭಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ವಜಹ ಸೇ ಹೋ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಉನ್ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಬುರಾ ಆದ್ಮಿ ಇಸ್ ಸಮಯ ದೇಶ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ನಹೀಂ ಹೈ। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, नेताओं को बयान देते वक्त मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी जोड़ा कि देश में मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। 4-5 साल के अंदर पीएम ने जो कदम उठाए उससे दशकों तबाह हो गए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का एकमात्र काम पीएम मोदी को गाली देना है। इस प्रकार की भाषा बार बार कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री के प्रति, और राहुल गांधी उस पर कोई अंकुश नहीं लगाते, तो स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस की मर्यादाएं क्या हैं और किस प्रकार की भाषा कांग्रेस पार्टी यूज करती है। ये समझ में आता है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। 4.5-5 साल के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है वो देश को तबाह कर दिया, लेकिन इसके बावजूद बयान देते वक्त मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए, और मैं संसदीय लोकतंत्र में भाषा की प्रयोग पर संतुलन चाहता हूं, अपशब्दों का प्रयोग हटे। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने भी बहुत गलतियां की। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाघिन अवनी के शिकार ने विवाद खड़ा कर दिया है। 13 लोगों का शिकार करने वाली इस बाघिन को राज्य के वन मंत्री के आदेश पर शिकारी ने मार गिराया था। अब इस विवाद में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी कूद पड़े। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाघिन अवनी पर बनी जांच कमेटी पर सवाल उठाए और रिटायर्ड जज से जांच की मांग की। मुंबई में उद्धव ने वन मंत्री की जांच कमेटी पर सवाल उठाए। अकाल पीड़ित को राहत सामग्री भेजते वक्त उद्धव ठाकरे ने ये बात कही। अवनी की मौत पर राहुल गांधी ने भी आपत्ति जताई थी और मेनका गांधी ने वन मंत्री का इस्तीफा मांगा था। बाघिन अवनी आदमखोर हो चुकी थी, उसने 13 लोगों की जान ली थी। एक विशेष अभियान के तहत आदमखोर अवनी को 2 नवंबर की रात शिकारी ने मारा था। बाघिन अवनी की मौत के मुद्दे ने धीरे धीरे सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। शिवसेना भी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे ने वन मंत्री की जांच कमेटी पर सवाल उठाए और रिटायर्ड जज से जांच की मांग की है। बाघिन अवनी का खौफ ऐसा था कि इलाके के लोग रात में लाठियां और मशाले लेकर गश्त पर निकलते थे। उसकी मौत की खबर मिलने पर यवतमाल के बोराटी गांव में लोगों ने पटाखे छोड़कर खुशी जताई और मिठाइयां बांटी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। दक्षिण पुलवामा में आज सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इसके अलावा सीज फायर उल्लंघन में 1 जवान भी शहीद हुआ है। दक्षिण कश्मीर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, इंसास और असॉल्ट राइफल बरामद। पुलवामा के तिक्केन गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। शनिवार सुबह 7:40 पर सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ, 4 घंटे बाद सेना का ऑपरेशन खत्म। आतंकियों की लियाकत अहमद और वाजिद के तौर पर पहचान हुई, दोनों पुलवामा के रहने वाले हैं। सेना कैंप पर हमले की तैयारी में थे आतंकी, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। LOC पर 2 जगह युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ, सीमा पार से फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद हो गया, एक पोर्टर की जान भी गई।
दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के तिक्केन गांव में एनकाउंटर के दौरान सेना ने दो आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान लियाकत अहमद और वाजिद अल इस्लाम के रूप में हुई है। मारे गए दोनों आतंकी पुलवामा के रहने वाले हैं। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर CRPF और 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घिरा देख फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए। दोनों के पास इंसास असॉल्ट राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन में बहुत ब्रीफ शूट आउट रहा, जिसमें दो टेररिस्ट मारे गए हैं और उनकी शनाख्त की गई है। ये दोनों HM टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका वाबस्ता था। आर्म्स एंड एमुनेशन जो है वहाँ से रिकवर की गई है। भारत ने कह रखा है कि वो मिलिटेंसी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी शर्त में, जब तक मिलिटेंट इस तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ती रहेंगी, इस तरह के एनकाउंटर होते। बगदादी ब्रिगेड के एक आतंकी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोहराम मचा दिया। धारदार हथियार से लैस इस आतंकी ने 5 लोगों पर हमला किया, बाद में पुलिस ने उसे भी मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ISIS का अटैक हुआ, आतंकी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। विक्टोरिया के भीड़ भाड़ वाले बोर के बाग पर हमले से अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार की शाम 4:20 पर हमला किया गया। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने हमलावर हसन खलीफ शायर अली को मार गिराया। विदेशी नागरिक को निशाना बनाने के इरादे से हमला, सोमालिया से आया था हमलावर हसन अली। आतंकी ने पहले कार में आग लगाई, फिर 3 लोगों पर चाकू से हमला किया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग दिन पर दिन जानलेवा बनती जा रही है। पिछले 3 दिन में ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 30,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग खतरनाक हुई, सैकड़ों इमारतें तबाह। आग उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी है, 30,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ चुके हैं। जंगल में आग गुरुवार को सुबह देखी गई थी, जो अब बढ़कर भयानक रूप ले चुकी है। गवर्नर ने उत्तरी कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा कर दी है। तेज हवाओं ने आग की लपटों को बढ़ाया, वेंचुरा काउंटी में 15,000 एकड़ में लगे पेड़ पौधे खाक। 50 फीट ऊंची लपटें और पूरे इलाके में फैला हुआ धुआं फायर फाइटर्स के लिए चुनौती बना हुआ है।